लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद के जाटवपुरी चौराहा रामगढ़ रोड पर क्षेत्रीय लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। बता दें, प्रदर्शन कर नारे भी लगाए। उन्होंने बताया कि इस रोड पर काफी गड्ढे हैं, जिससे आने और जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे लोगों को चोटें आ जाती हैं। जबकि इस रोड पर 5 पार्षद हैं और पार्षदों को कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर गुजर रहे हों। यहाँ के पार्षदों को गड्ढे में गिरते हुए मासूम बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग नहीं दिखते, जबकि इस रोड पर 1 थाना और 3 स्कूल मौजूद हैं। जब पानी रोड पर भर जाता है तो स्कूल में जाने वाले बच्चों को काफी समस्या होती है। यहाँ के दुकानदारों को भी बहुत परेशानी होती है। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी दुकानों में भर जाता है, जिससे दुकानदारों को काफी नुकसान होता है। पानी घंटों तक नहीं निकलता। और उन्होंने यह भी बताया कि रोड बनाने में पहले यहाँ के पानी निकलने का निकास कराया जाए, और इस रोड का पानी निकलने का निकास बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण पानी भरता है। फिरोजाबाद से मकबूल उद्दीन की रिपोर्ट। मेरा नाम बलीगुल इस्लाम है। मैं MIM का पूर्व युवा जिला अध्यक्ष हूँ। ये रामगढ़ रोड है और ये भरपूर चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है। यहाँ इस रोड पे बहुत गड्ढे हैं, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। बड़े बूढ़े बुजुर्ग गड्ढों में गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। पानी बढ़ जाता है, पानी बरसने के बाद कम से कम 10 घंटों में, थोड़ा सा भी पानी बरसता तो 10-15 घंटों में निकलता है। दुकानदार बड़े परेशान हैं, आम जनमानस की जिंदगी रुक जाती है पानी भरने से। हम चाहते हैं सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, इस रोड का निस्तारण करने से पहले इस रोड पे जल निकासी का समाधान किया जाए। आप रोड का निस्तारण करवा दोगे, जल निकासी नहीं करवाओगे, रोड फिर बेकार हो जाएगा। इसलिए हमारी सरकार से डिमांड है, पहले इसकी जल निकासी कर जाए। इस रोड का अब तक का खुद का नाला नहीं है। इस रोड का पानी सर्विस रोड के नालों में जाता है। सर्विस रोड का पानी जो है हाईवे के नालों से जुड़ा हुआ है। इस रोड का पानी झेल नहीं पाता है, इसलिए यहाँ पे जल निकासी भर जाता है, जल निकासी नहीं हो पाती है। आपके पार्टी के अंदर काम की जरूरत, जबकि सारे वार्डों के अंदर काम किया जा रहा है और आपके पार्षद कुछ काम नहीं कर रहे। देखिए पार्षद जी, पांच पार्षद हैं इस रोड से सम्मिलित, लेकिन पांचों पार्षद निकलते हैं, आगे मीच के निकल जाते हैं, किसी को पानी भरा हुआ नहीं दिखता। आम जनमानस की समस्या नहीं दिखती, परेशानी नहीं दिखती, हादसे नहीं दिखते, आंखों पर पट्टी बांध कर चले जाते हैं। इस रोड पर रामगढ़ थाना भी है, 3 कॉलेज भी है, मस्जिद भी है, उसके बावजूद भी यहां पर किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जाता।